हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बताया जा रहा है कि ये चारों आरोपी को मौके वारदात की जगह पर सुबह के समय ले जाया गया था, जहां पर बस से उतरते ही इन्होंने भागने की कोशिश की। साथ ही साथ पुलिस ने जब इनको कहा कि तुम भागो मत, लेकिन फिर भी चारों आरोपी भागने लगे। फिर उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव भी कर दिया और भागने की कोशिश की। पुलिस ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ये चारों आरोपी भाग रहे थे। तभी पुलिस ने इन चारों का एनकाउंटर कर मार गिराया। साथ ही साथ जब लोगों को एनकाउंटर की खबर मिली तो सब लोगों के मन में और पीड़ित परिवार के मन में यही संतुष्टि थी कि चारों का एनकाउंटर होने के बाद अब लगता है कि हमें इंसाफ मिल गया और आगे भी कोई इस तरह की वारदात को अंजाम दे तो उसको भी एनकाउंटर कर देना चाहिए, जिससे कि देश में बढ़ते रेप के केस के ऊपर भी लगाम लगेगी। हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बताया जा रहा है कि ये चारों आरोपी को मौके वारदात की जगह पर सुबह के समय ले जाया गया था, जहां पर बस से उतरते ही इन्होंने भागने की कोशिश की। साथ ही साथ पुलिस ने जब इनको कहा कि तुम भागो मत, लेकिन फिर भी चारों आरोपी भागने लगे। फिर उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव भी कर दिया और भागने की कोशिश की। पुलिस ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ये चारों आरोपी भाग रहे थे। तभी पुलिस ने इन चारों का एनकाउंटर कर मार गिराया। साथ ही साथ जब लोगों को एनकाउंटर की खबर मिली तो सब लोगों के मन में और पीड़ित परिवार के मन में यही संतुष्टि थी कि चारों का एनकाउंटर होने के बाद